टारगेट भी था आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं केडी सिंह आपका स्वागत अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सबसे पहली चीज आईएएस का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, जिसमें आईएएस का मतलब आप जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जान रहे हैं। लेकिन मैं आपके बीच में इसकी डिफिनेशन कुछ और करने जा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ए का मतलब अवतार समझें और अवतार जिसका भी हुआ है, चाहे वो कृष्ण अवतार रहा हो या रामा अवतार रहा हो, इनके पास क्या नहीं था, इनके पास पद भी था, प्रतिष्ठा भी थी। क्लियर? आर्थिक सुरक्षा भी थी और इसके साथ साथ उनके सामने नई चुनौतियां भी थी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए उनके पास अनेक अवसर भी थे। ठीक है, तो यहां मैं आपके बीच पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, आप एक छात्र हैं, छात्रा हैं, स्टूडेंट हैं और आप अपने जीवन में एक करिश्मेटिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप एक सामान्य आदमी हैं वर्तमान में, अगर कहीं पर आप नौकरी पेशे में भी हैं तो उस नौकरी पेशे में भी आपकी अपनी पहचान उस तरह से नहीं है जैसा आप चाहते। तो आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत करिश्मेटिक, एक ड्रास्टिक चेंज हो, मतलब आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री मूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको किस्मत वाला नहीं होने की जरूरत है। किस्मत वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते, किस्मत वाले व्यक्ति कभी आईएएस नहीं होते या सिविल सर्वेंट नहीं होते, अपितु काबिल लोग, जो काबिल लोग होते हैं यही काबिल लोग ही इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। अब अगर हम आपसे बताएं कि देखिए, जो काबिल लोग हैं ये काबिल कैसे बने, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं काबिल कैसे बनूं, तो देखिए, काबिल बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले यह जानें कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। क्लियर? इसके बाद आप जानें कि आपकी परीक्षा को आयोजित करने वाला जो आयोग है, अर्थात यूपीएससी, ये यूपीएससी आप में खोज क्या रहा है। उसकी खोज क्या है? क्या आप उसकी खोज के अनुरूप अपने आप को पा रहे हैं?
इसके साथ साथ आपको यह भी जानना है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना जिद्दी हैं। आप तमाम आपके सामने रास्ते खुले हैं, कभी आप ये इम्तहान देते हैं, कभी वो इम्तहान देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है कि आप अपने टारगेट या अपने लक्ष्य के प्रति उस तरह से समर्पित नहीं है जैसा कि समर्पित होना चाहिए। तो इसका मतलब आप जिद्दी बने। और एक चीज आपको और याद रखना है, ये जिद्द आपकी कैसी होनी चाहिए। तो आपकी जिद में एक प्रश्न आना चाहिए कि आप जो भूलने की प्रवृत्तियां हैं आपकी, आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन आप में भूलने की प्रवृत्ति है, पीछे पढ़ते रहते हैं और कुछ दिन के बाद आप गायब कर जाते हैं, ठीक है, मैटर आपको याद नहीं रहता, आप जहां हैं वहीं रुक जाते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, आपको सबसे पहले आना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट जानने के लिए यह जरूरत है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आप एक समय में एक काम करें, एक समय में आप एक ही काम करें। ठीक। दूसरी बात आप याद रखें, जैसे इसका क्या मतलब आपने समझा, एक समय में आप एक ही कार्य करें, इसको थोड़ा सा हम व्यवहार में ला करके आपके बीच में नरेट करते हैं। देखिए, आप करते क्या है, आप के सामने किताब होती है, ठीक है, आपके सामने किताब या मैगजीन कोई भी चीज होती है, बुक्स होती हैं, लेकिन आप का जो मन है, ठीक है, आपका मन ये कहां है, तो आप कहेंगे कि यह मन कभी अतीत में है तो कभी भविष्य की कल्पना में खो गया है। कभी आप अतीत की कल्पना कर रहे हैं, अतीत में खोए हुए हैं, तो कभी भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो मन है, ये मन आपका वर्तमान में टिकता ही नहीं। और वर्तमान क्या था, आपकी यह किताब थी, लेकिन आप के सामने किताब खुली हुई है लेकिन आप भटक रहे हैं कभी अतीत में और कभी भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में आप वर्तमान में है ही नहीं। तो जब आप वर्तमान में नहीं है तो आप भविष्य को सुधार कभी नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि आप एक समय में एक ही काम करिए। मतलब आप किताब पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में रहिए, किताब पढ़िए, ना आप अतीत के बारे में सोचिए ना भविष्य के बारे में। और आप याद रखिएगा, यही समाधि है। बड़ी बड़ी चीजें आपने पढ़ा होगा, फिलॉसफी में पढ़ा होगा, बुद्धा समाधि पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब चीजें से मैं आपको दूर ले जाना चाहता हूं, एक सीधी सी बात करना चाहता हूं कि मन को अतीत और भविष्य से हटा करके वर्तमान में टिका देना ही समाधि है। मन को अतीत और भविष्य दोनों से हटाकर वर्तमान में टिका देना ही
यही समाधि है और यही आपकी उपलब्धि है। आपकी सफलता का पैमाना यहीं से शुरू होता है। दूसरी चीज, मैं आपके बीच एक और शेयर करना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में आप याद रखें, आप प्रकृति को समझिए। प्रकृति क्या है और हम प्रकृति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इसको समझना होगा। हमारे बच्चे सब कुछ को भूल करके पूरी रात रात पढ़ते रहते हैं, पूरी नाइट पढ़ते गए, लेकिन सुबह उनके पास कुछ नहीं होता। उनको यह नहीं पता है कि हमें कब पढ़ना है और कब सोना है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमें एक चीज याद रखना होगा कि समय का, टाइम का हमारे व्यक्तित्व पर कैसा असर पड़ता है। तो देखिए, हमारी सुबह सूर्योदय के साथ होती है और जैसे जैसे सूर्योदय अपने यौवन में आता है और यौवन में आकर के दोपहरी और दोपहरी से सायं की तरफ बढ़ता जाता है, हमारी चित्त वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति में भी बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में होते हैं तो वहां हम पूजा करते हैं, वहां हम नमाज पढ़ते हैं, वहां हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति सुबह के समय एक समर्पण भाव की होती है। और यह सुबह का जो दौर होता है इसमें ऑक्सीजन इनहेल करने की क्षमता भी बहुत होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह छोटा सा ब्रेन हमारी कुल शारीरिक जो ऑक्सीजन होती है, हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का 20% हिस्सा हमारा ब्रेन ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए बच्चों, दोस्तों, हमारे अध्ययन का जो सबसे सटीक समय होता है वह अर्ली मॉर्निंग से होता है। और एक कहावत भी कही जाती है कि जो पहले सोया वो पहले पाया, जो पहले सोया पहले जागा वो पहले पाता है। मैं आपको अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो ये है कि एक बार ऑनरेबल मेजेस्टी लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि नेहरू जी, आप अपने कार्य को समय पे कैसे पूरा कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता। तो नेहरू जी ने कहा था वहां, क्योंकि ऑनरेबल मेजेस्टी आपकी सुबह 8 बजे होती है और मेरी सुबह 4 बजे, इसलिए ऑनरेबल मेजेस्टी आपका वक्त 24 घंटे का होता है लेकिन मेरा 28 घंटे का। और इस प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि 30 दिनों में कितने घंटे आप आगे निकल गए। तो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, लड़ाई किसी संपदा की नहीं है। आईएएस की परीक्षा में देश और दुनिया के लोग बैठते हैं, कुछ लोग तमाम सुविधाओं से युक्त होकर बैठते हैं और कुछ लोग अभाव में अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन प्राय देखने को मिला है
कि जिस व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, सफलता उसी के पास आती है, उसी के सिर पर सफलता का सेहरा बनता है। आप ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने सबको 24 घंटे ही दिया है। अब इस 24 घंटे का मैनेजमेंट कौन कितना बढ़िया कर लेता है, यही डिपेंड करता है उसकी सफलता पर। कहा भी जाता है, किसी ने कहा भी था कि समय का या वक्त का हर शय गुलाम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें पढ़ने के लिए सुबह का चयन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय की बात से समय बीतता चला जाता है, हमारी मानसिक वृत्तियों में भी परिवर्तन आता जाता है। और रातें सदैव तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। सेकंड चीज मुझे जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर गत कहनी है वो है कंटिन्यूटी की, निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब ये जो निरंतरता है या कंटिन्यूटी है, मैं इसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारे बच्चे करते ये हैं कि किसी दिन 24 घंटे में 20-20 घंटे लेके बैठे रहते हैं, मतलब पढ़ने का वो एक कह सकते हैं कि एक ड्रामा है ये। और फिर हफ्ते भी जाते हैं, कभी उनका किताब और कलम से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन यह चीज सिद्ध करता है कि आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। अब अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो आप इस तरह से सोचिए ना कि जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी, एक रेस पढ़ा होगा, एक दौड़ पढ़ी होगी कछुए और खरगोश की। कछुआ बड़ा धीमा चलता है, कूदता है, ठहरता भी है, ऑक्सीजन को इनहेल भी कर लेता है और फिर वह आगे चलता है, मतलब चल भी रहा है, विश्राम भी कर रहा है, लेकिन बहुत धीमा चल रहा है। खरगोश बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन जब वो देखता है कि अरे यार वो तो बहुत पीछे है अभी, तो वह विश्राम करने लगता है। और जब वो विश्राम करने लगता है तो कुछ लोग उससे रास्ते में मिल जाते हैं, बैठ लेते हैं उसकी मोटरसाइकिल पर या बैठ लेती हैं उसकी मोटरसाइकिल पर, और फिर वो अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप कछुए में विश्वास करिए, आप 4 घंटे 3 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यूअस पढ़िए, क्योंकि अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन, न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज इत्यादि से आप की जो तारतम्यता होती है, यह तारतम्यता टूट जाती है और फिर आप उसे नए तरीके से स्थापित करने में एक मुश्किलों का सामना करते हैं। दूसरी चीज हमें आपसे कहना है, दूसरे पॉइंट पर, टाइम मैनेजमेंट के बाद और कंटिन्यूटी निरंतरता के बाद आपके बीच में हमें कहना है कि आप यह समझें कि आपका आयोग आप में खोजता क्या है। तो आइए हम देखते हैं
कि संघ लोक सेवा आयोग किसको सफल बनाता है, किसको सफलता देता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा, सबसे पहले बात आपको यह जानना है कि हम लोग जाने कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी क्या खोजता है, तो ये तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्या आपको कोई आपका पथ प्रदर्शक जिसने आप जैसे दर्द को भोगा है, जो झेला है, वही बता सकेगा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी की खोज क्या है। तो यूपीएससी की खोज को जानने के लिए आप ये तो जानिए कि यूपीएससी कौन कौन सा एग्जामिनेशन लेता है। यूपीएससी 3 एग्जामिनेशन लेता है। एक एग्जामिनेशन को कहते हैं आप प्री, दूसरे एग्जामिनेशन को आप कहते हैं मेंस, और तीसरे एग्जामिनेशन को आप कहते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों, अब यूपीएससी प्री परीक्षा क्यों लेता है? तो यूपीएससी प्री परीक्षा क्यों लेता है, इसका आंसर आप इस तरह से जानिए। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो स्क्रीनिंग या छटनी, स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है, और इसके द्वारा एक बड़ी भीड़ को वह छांट देता है। दूसरी तरफ प्री परीक्षा के द्वारा वह और क्या खोजता है? कैंडिडेट के मानसिक संतुलन की तलाश करता है। वह मानसिक संतुलन उस कैंडिडेट का क्या है, इसकी तलाश करता है। क्योंकि अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो आप निश्चय मानिए कि आपसे कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आप कंपटीशन से बाहर हो गए। तीसरी चीज, यूपीएससी क्या तलाशता है आपसे? तो आप कहोगे कि सर, आपकी मानसिक गति को तलाशता है, मेंटल स्पीड कि तलाश करता है वो। जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम अवॉर्ड किया जाता है 2 घंटे। 2 घंटे अर्थात आप कह सकते हैं कि 120 मिनट। इस 120 मिनट के अंदर आपको क्या क्या करना होता है? पहली चीज, पढ़ना भी है, डिसीजन मेकिंग भी करनी है, और फिर आपको कलर भी करना है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह 100 क्वेश्चन पर आपको जो समय बचता है, मिलता है, वो कितना मिलता है। तो लगभग समय मेरी समझ से 40 से 50 सेकंड के अंतर्गत आता है। इसमें आपको सब कुछ करना है। तो आपने देखा कि प्री परीक्षा के द्वारा एक तो बड़ी भीड़ को काट देना है, दूसरा आपके मेंटल बैलेंस, आपके बॉडी बैलेंस और आपकी मेंटल स्पीड की वह तलाश कर लेता है। अब आप आते हैं सेकंड स्टेप में, मेंस परीक्षा। तो आइए रा देखते हैं कि मेंस परीक्षा के द्वारा यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग आप में क्या खोज रहा है। तो देखिए, जो मेंस परीक्षा है, इस मेंस परीक्षा के संदर्भ में आप समझें
जो मेंस परीक्षा होती है ये एनालिटिकल होती है, एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक होती है। अब आपके सामने यह प्रश्न आ रहा होगा कि एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मकता है क्या? आप कहेंगे कि सर एक जुगलबंदी है, सर ये जुगलबंदी है। अब जुगलबंदी क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर तर्क के माध्यम से, मीडियम क्या है आपका? तर्क। और इस तर्क के माध्यम से आप अतीत और वर्तमान, वर्तमान को जोड़ने में कितना सफल होते हैं। एक तो ये हो गया एनालिटिकल में। दूसरी बात आती है कि आप अपने नॉलेज को, आप अपने ज्ञान को अन्य किसी विषय के साथ कैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, अन्य किसी विषय के साथ कैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि टारगेट विथ आलोक के प्लेटफॉर्म से अपनी बात आप तक पहुंचाने का, पिछले कोई 31 वर्ष से मैं सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को इतिहास विषय में पथ प्रदर्शन करता रहा हूं। तो मैं आपको इतिहास की वह सब कुछ परिभाषा नहीं बताना चाह रहा हूं जो किताबों में है। मैं अगर आपसे, मुझसे पूछें कि इतिहास क्या है, तो हम कहेंगे कि बच्चों इतिहास है विगत, विगत मतलब अतीत की राजनीति है। पिछले दिनों, विगत मतलब पिछले दिनों की राजनीति है, पिछले दिनों का समाज है, विगत की धर्म, विगत का धर्म है, और इसके साथ साथ विगत की सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, और ये सब चीजें अगर आप जानते हैं तो निश्चय ही आप इस मैटर को भूगोल के साथ जोड़ सकते हैं, वर्तमान के साथ जोड़ सकते हैं। और ये कैसे होगा? तर्क के द्वारा ही संभव है। जैसे हम कहें, इतिहास का एक क्वेश्चन उठा के दिखाएं आपको, जब मैं आपसे कहूं कि पुष्मित्र सिंह के ऊपर यह आरोप है कि उसने बौद्धों के कत्लेआम का निर्देश दिया था इसलिए वह बौद्ध विरोधी था, और मिसेस गांधी के एजिनेशन के बाद, मिसेस श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी जी के एजिनेशन या शहादत के बाद भी बड़ी संख्या में कुछ लोगों का दमन हुआ था, तो तत्कालीन सरकार क्या जिसका दमन की उनकी विरोधी थी? नहीं सर, उनकी विरोधी नहीं थी, क्योंकि पुष्मित्र सिंह को भी अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने समाज में
शांति स्थापना करना था। और 1984 की जो सरकार है उसे भी शांति को स्थापित करके व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना था। तो इसलिए आप याद रखें कि मुख्य परीक्षा में जुगलबंदी बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, मुख्य परीक्षा के लिए आपको और बातें याद रखनी होंगी, और क्या चीज जरूरी है मुख्य परीक्षा के लिए, तो हम आपसे यहां लिख रहे हैं और बताने चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज पर पकड़ कैसी है, भाषा पर आपकी क्या पकड़ है, आप जनसामान्य के शब्दों में आप कितना अच्छा एक्सप्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी जो बातें आएंगी वह क्या जरूरी है, तो आप कहोगे कि सर एक तीसरी बात भी मुख्य परीक्षा के लिए है और वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक क्विक मतलब तेज गति के साथ आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। और इसके साथ जो चौथी चीज है जो आपको जानना है मुख्य परीक्षा के लिए वह क्या है, तो आप कहोगे कि सर आपके लेखन में जो आपने लिखा है उसमें रिदम है कि नहीं है, पिछले मैटर से वह एक संगीत की लय के भांति जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यह हो गई आपकी मेंस एग्जामिनेशन में। तो यूपीएससी आपके अंदर ये चीजें खोजता है। संघ लोक सेवा आयोग जब आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करता है तो इन चीजों को तलाशता है, और इस तलाश में यह बिल्कुल माने नहीं रखता कि आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, किस परसेंटेज से आप पास करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप आईएएस बन सकते हैं, बनेंगे ही, शर्त यह है कि आपको मैं ये जो चीज बता रहा हूं, मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर आप मुझे धैर्य से ध्यान से सुनते हैं तो यह निश्चय ही आपके लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। ड्रास्टिक एंड डायनेमिक, अगर मैं कहूं कि ड्रास्टिक एंड डायनेमिक चेंजेस ला सकता है तो यह अतिशयोक्त नहीं होगा। अब आप देखिए हमारा जो अगला स्टेप है प्री मेंस, और इसके बाद है आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में संघ लोक सेवा आयोग क्या तलाश कर रहा है आपके अंदर, तो देखिए साक्षात्कार परीक्षा या इंटरव्यू में संघ लोक सेवा आयोग आपसे क्या तलाशता है। फर्स्ट उसकी सर्च है, तलाश है कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर क्या है, आप किसी व्यक्ति को कितना अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग पावर क्या है आपके अंदर। दूसरी जो बात आपके अंदर वो खोजता है वो ये है कि आपके अंदर सोचने की जो क्षमता है, सोच विचार करने की जो क्षमता है वह कैसी है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है आपका, थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, कैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है, और सोच करके कैसे आप हमें कन्विंस कर रहे हैं या दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे एक प्रशासक के रूप में। इसके अतिरिक्त वह आप में जानना चाहता है कि आपके अंदर वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह चौथी चीज भी आप में तलाशना है
वो ये है कि आप में वर्च्यू क्या है, कि आपका व्यक्तित्व वर्चुअस कैसा है। तो आप कहेंगे कन्विंसिंग पावर, थॉट प्रोसेस और वर्चुअस, वैल्यू सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर विकसित कैसे हो। ठीक है भाई, प्री में आप अपना संशोधन कर रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, मेंस में भी आपको हमने लिखवाया, लेकिन आप साक्षात्कार परीक्षा में कन्विंसिंग पावर कैसे विकसित करेंगे, थॉट प्रोसेस कैसे विकसित करेंगे, वैल्यू सिस्टम कैसे विकसित करेंगे, आप इथिकल और वर्चुअस पर्सनालिटी का विकास कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे कहना है आपसे कि आप ये सब पाने के लिए आपकी संगति कैसी है, ये बड़ा मायने होता है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं? भाई सुनो, अगर आप बटुआ चोर मतलब पैकेट मार, पैकेट को काटा, पैसे निकाला, भगा, अगर उनके साथ आप रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व बटुआ चोर का ही होगा। लेकिन निश्चय मानिए, अगर आप किसी अच्छे खासे व्यक्तित्व के साथ रहते हैं तो यह व्यक्तित्व से के साथ वार्तालाप के करने से पहले आपको पहले सोचना होगा, मतलब थॉट प्रोसेस लाना होगा। थॉट प्रोसेस लाने के बाद आपको उन्हें कन्विंस करना होगा, बताना होगा, समझाना होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर वैल्यू और वर्च्यू ये दोनों ही आ जाते हैं। मैं सोचता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि यूपीएससी आप में क्या खोज रहा है। अब यूपीएससी की ये जो खोज है, इस खोज को जानने के बाद आप उसके अनुसार बिहेवियर करिए। अब पक्का मानिए, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जिस दिन आपने हमारी इन बातों को, हमने जो प्री के संदर्भ में बताया, मेंस के संदर्भ में बताया, इंटरव्यू के संदर्भ में बताया, अगर आप इसमें से केवल 50% भी फॉलो करते हैं, बिहेवियर में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, तो निश्चय मानिएगा आपकी सफलता का जो पैमाना है यह बढ़ करके 80% हो जाता है। आईएएस की मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाती है। मैं सोचता हूं कि मैक्सिमम मेरिट 55 या आप कह सकते हैं अराउंड 50 होती है, और लोअर मेरिट 30 और 30 प्लस होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दो बातें हमने आपसे कहा, एक टाइम मैनेजमेंट की बातें करी। टाइम मैनेजमेंट में हमने आपको बताया कि निरंतरता क्या है। फिर हमने तीसरी बात ये बताई, तीसरी बात ये बताई कि आपका आयोग आप में खोजता क्या है। अब हम आपके सामने जो अगली बात ये बताने जा रहे हैं कि आप भूलते क्यों हैं। चूंकि एक लंबा समय मुझे सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का पथ प्रदर्शन करने में गुजरा है, और मैंने हर लड़के और लड़की, छात्रों और छात्राओं से एक कॉमन क्वेश्चन सुना है, पूछा गया है मुझसे कि सर हम भूल जाते हैं।
तो जब हम भूल जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता, हम आगे की चीजें पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन पीछे से लिंक नहीं कर पाते हैं। और जब हम भूल चुके होते हैं तो हम उसे अन्य सब्जेक्ट से भी नहीं जोड़ पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा, बातें थोड़ी सी अटपटी सी हैं लेकिन वो हमारी मजबूरी है कि हम उस एग्जाम्पल के द्वारा जितना अच्छी तरह से आपको समझा देंगे उतना अच्छी तरह से हो सकता है ना समझा पाए किसी अन्य एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले अपनी बात करने से पहले मैं समस्त बच्चे और बच्चियों से क्षमा चाहूंगा। तो अब हमारी बात आप सुनिए, आप में से कोई ना कोई या लगभग सभी, ठीक है, यह अपवाद नहीं होता, मोहब्बत तो किया ही होगा किसी से, किया है या नहीं, किया होगा। तो जब आपने मोहब्बत किया तो मोहब्बत का वो पैगाम जो आपने अपने साथ या उनके साथ गुजारा है क्या आप उसे भूल गए? पांच बजे शायम को बुलाया था उन्होंने आपसे मिलने के लिए लेकिन आप तो 4:30 बजे पहुंच गए, आप वो क्यों नहीं भूल जाते? तो मेरे मित्रों, वो आप इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर आपका किसी विषय वस्तु में इंटरेस्ट है तो वह आपको कभी नहीं भूल सकता। लेकिन अब आपके सामने यह बात आ रही होगी कि चलो वो तो मोहब्बत थी लेकिन अब आप ये बताओ कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाएं, पढ़ाई में हम इंटरेस्ट को कैसे लाएं। तो मेरे अजीज दोस्तों, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको कुछ करना है। क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री है क्या? अगर पूछा जाए कि इतिहास क्या है तो आप कहोगे कि सर किसी घटना में शोध से सत्य को पाना ही इतिहास है, घटना कोई है, ठीक है, इस घटना में आपको शोध करना है और शोध से आपको सत्य पाना है, यही इतिहास है। क्लियर? अब सवाल इस बात का है कि आप यह शोध कैसे करोगे? शोध होता क्या है? तो आप बड़ी बड़ी डेफिनेशन को छोड़ दो, रट्टा वाली बातें छोड़ दो, रट्टा से कभी कोई आईएएस नहीं बनता।
तो बनेगा कैसे? तो आप याद रखो कि शोध क्या है, तो आप याद रखना किसी घटना में आप इतना प्रश्न लगा दो, क्या है, मतलब व्हाट इज, फिर आप पूछो क्यों है, फिर क्वेश्चन करो कि कब है, फिर क्वेश्चन करो कैसे है, फिर क्वेश्चन करो कहां है, और अगर आप इतने प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं, दे गए आप, तो आप याद रखिएगा यही इंटरेस्ट है, यही आपका इंटरेस्ट है, और आपके अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर ये इंटरेस्ट जग गया, आप भूल के दिखा दो यह संभव नहीं, बिल्कुल ही यह संभव नहीं कि आप भूल के दिखा दें। प्रिय मित्रों, हम आपके बीच इतिहास की बात करेंगे, आपका पथ प्रदर्शन करेंगे इतिहास के क्षेत्र में। और एक चीज मैं यहां आपको शेयर करना चाहूंगा कि इतिहास का अंग क्या है, इतिहास का अंग क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें से चार प्रश्न लगा दीजिए, चार प्रश्न लगा दीजिए, वही इतिहास का अंग बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई इवेंट हो, घटना हो, ठीक है, मतलब क्या है, घटना है, कहां है, कब है और कैसे है, अगर आप ये तलाश लेते हैं तो आप याद रखिएगा यही इतिहास का अंग है। ठीक, अब इंटरेस्ट के बाद वह चीजें आपको बिल्कुल ना भूले, इसके लिए आपको अपने ब्रेन को समझना होगा, अपने ब्रेन मतलब अपने मस्तिष्क को समझना होगा कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वह किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमारा ब्रेन किसी भी सूचना को सदैव आकृति के रूप में लेता है। किस रूप में लेता है? आप कहोगे कि सर आकृति के रूप में लेता है, आकृति मतलब पिक्चर के रूप में लेता है। अब आपके अंदर जिद कैसी, आप कैसे जिद्दी व्यक्ति हैं कि जो किसी सूचना को कोई आकार न दे पाए, तो ऐसी जिद का कोई मतलब नहीं है। जिद का कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आकृति क्यों नहीं दे देते हैं। और जिस दिन आप दो चीजें कर गए जिद के कारण, आप ये प्रश्न लगा करके किसी घटना में जान गए, उसका उत्तर जान गए, तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वह सूचना की आकृति स्वयं बन जाती है। आपको मैं एक कहावत कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि आप अगर मुझे बताओगे तो निश्चय मानो कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे दिखा देते हो तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा।
तो आप देखोगे कैसे किसी चीज को, आप देखोगे कैसे, पढ़ने से आप नहीं देख पाओगे। क्या पढ़ करके देख लो, ऐसा संभव नहीं। आप पढ़ो सीखने के लिए, क्योंकि आप पढ़ने के बाद अगर सीख जाते हैं तो निश्चय मानिए आप आकृति बना जाएंगे, और आकृति अगर बन गई तो वह आप चाहे 200 शब्द में लिखना है, चाहे 2000 शब्द में लिखना है, आप बहुत बखूबी और रिदम के साथ लिख जाएंगे। आपने अपनी कई बातों को समझ लिया। अब हम आपसे अगली बात करेंगे कि आप कैसे और क्या पढ़ें, कब पढ़ें, इसकी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के बाद। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।